अगर आप YouTube पर दुबई सर्च करोगे तो आपको दो तरह की वीडियोस नजर आएंगी, एक ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, बीचेस और सुपर कार्स पर एंजॉय करते हुए सेलिब्रिटीज और इंस्टाग्राम मॉडल्स की, और दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन और स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑपरेशन की। दोनों तरह की वीडियोस एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, लेकिन हकीकत यह है कि दुबई की एक साइट को बहुत ज्यादा हाइप किया गया जबकि दूसरी साइट को बिल्कुल इग्नोर किया गया है। दोस्तों, असल में दुबई को अमीरों और पावरफुल लोगों के लिए ही डिजाइन किया गया है। अगर आपको अमीर ना होने के बावजूद खुद को अमीर दिखाना है तो ये जगह आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। लेकिन कोई भी इंसान एक बात से इनकार नहीं कर सकता, और वो ये है कि दुबई शहर पैसे से भरा हुआ है। दूर से देखने में ये शहर किसी फैंटेसी मूवी की तरह लगता है, लेकिन अगर थोड़ा पास होकर आप इसे देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये सारा खेल सिर्फ और सिर्फ इमेज का है। दुनिया भर से काफी इंस्टाग्राम मॉडल्स और सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज हर साल दुबई आते हैं। ये लोग बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स, 7-स्टार होटल्स, प्राइवेट जेट्स और सुपर कार की फोटोज या रील्स सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, लेकिन असलियत ये है कि इनमें से अक्सर दुबई जाकर अपने सपने पूरे कर ही नहीं पाते और धीरे धीरे गुमनाम हो जाते हैं और इनकी जगह दूसरे इन्फ्लुएंसर्स ले लेते हैं। कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि आखिर एक वक्त में रेगिस्तान और दुनिया भर से कटे हुए इस इलाके के लोगों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके इसको ऐसा क्यों बनाया? वेल, तो कहानी ये है कि 20वीं सदी की शुरुआत में दुबई में ब्लैक गोल्ड यानी ऑयल की डिस्कवरी हुई, और यहाँ के लोगों को पता था कि आने वाले वक्त में या तो ये ऑयल दुबई की जमीनों से खत्म हो जाएगा या कोई और मटेरियल आकर इसको रिप्लेस कर देगा। इसलिए उनको बहुत कम वक्त में अपने आप को ऑयल पर कम से कम डिपेंड करना होगा, और अगर उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए सरवाइव करना है तो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना होगा। और इसी प्लान के साथ इतिहास का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है और जंग में सुलग रहे मिडिल ईस्ट में दुबई नाम की एक जन्नत बन जाती है। दोस्तों, आज जिस दुबई को हमारा आप जानते हैं, इसको बनाने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने दसियों सालों तक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अनगिनत पैसा खर्च किया है और इस शहर को इंटरनेशनल लेवल पर चमकाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। साथ ही साथ नो टैक्स पॉलिसी ला करके यहाँ की गवर्नमेंट ने इस शहर को अमीरों के लिए बिल्कुल परफेक्ट प्लेस बना दिया। यही वजह है कि आज के दौर में एशियाई देशों से ही नहीं बल्कि यूरोपियंस और अमेरिकन देशों से भी लाखों लोग हर साल दुबई आ रहे हैं। लेकिन ये आसमान छूती बिल्डिंगें, होटल्स और शॉपिंग मॉल सिर्फ ऐसे ही नहीं बन गए, बल्कि इनको बनाने के लिए दुबई को जरूरत थी मेहनती मजदूरों की। लेकिन यहाँ के लोग मजदूरी नहीं करते थे, या यूँ कहा जाए कि तेल की डिस्कवरी के बाद उनको मजदूरी करने की जरूरत नहीं रह गई थी। लिहाजा यूएई गवर्नमेंट ने दुनिया भर से मजदूर यहाँ पर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की और इन्हीं गरीब मजदूरों के हाथों इस शहर की बुनियाद पड़ी। लेकिन इस बीच जहाँ दुनिया ने दुबई की चकाचौंध को देखा, वहीं इसकी डार्क साइड को बिल्कुल भूल गए। असल में दुबई में आने वाले अक्सर मजदूर इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीका या दूसरे डेवलपिंग देशों से आते हैं, और आज की दुबई में 90% पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ ये मजदूर लोग बनाते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने देशों में रोजगार ना मिलने की वजह से दुबई का रुख करते हैं, और इन्हें अमीरों की तरह सोशल मीडिया पर शो ऑफ नहीं करना होता बल्कि अपनी फैमिली को पालना होता है। शायद ये मजदूर भी अपने देशों से इसी दुबई के सपने लेकर आते होंगे, लेकिन ये यहाँ कभी नहीं पहुँचते बल्कि वो इस दुबई में पहुँचते हैं। कई मीडिया चैनल्स की इन्वेस्टिगेशन और स्टिंग ऑपरेशन से ये बात साबित हुई है कि दुबई में आने वाले मजदूरों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता है। वो जिस कैंप में या बिल्डिंग में रहते हैं वो पूरी तरीके से ओवर क्राउडेड होता है या गंदगी हद से ज्यादा होती है। कई रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि दुबई में काफी मजदूरों को शहर से दूर रेगिस्तान में छोड़ दिया जाता है जहाँ उनका काम ऊंट या बकरियां चराना होता है। ज्यादातर माइग्रेंट्स वर्कर्स को हद से ज्यादा खतरनाक काम दिए जाते हैं। कंपनी के एजेंट भी उन्हें अच्छी खासी सैलरी और बेहतरीन अकोमोडेशन का बहाना देकर यहाँ पर लाते हैं, लेकिन सिक्योरिटी के नाम पर सबसे पहले इन मजदूरों के पासपोर्ट्स को जब्त किया जाता है और इस तरह इनके भागने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और इनके पास जो भी काम मिले उसको करने के अलावा कोई और चारा नहीं रहता। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि 21वीं सेंचुरी में होने के बावजूद ये मजदूर बेसिक ह्यूमन राइट्स से भी महरूम होते हैं। ना तो यहाँ पर मिनिमम वेज का कोई कानून है और ना ही इन्हें यूएई के लेबर लॉ से कोई प्रोटेक्शन मिलता है, क्योंकि ये लोग वहाँ के सिटीजन नहीं है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिन लोगों ने इस शहर को बनाया है उनको पूरी तरीके से भुला दिया गया है। दुबई का शायद अब तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट है बुर्ज खलीफा। 828 मीटर ऊंची ये बिल्डिंग आज दुनिया भर में इस शहर की पहचान है। लेकिन कड़वी बात यह है कि इस बिल्डिंग को जिन लोगों ने अपने खून पसीने से बनाया है
वो लोग सिर्फ $4 यानी लगभग 250 इंडियन रुपीस की मजदूरी के लिए 14 से 16 घंटे यहाँ काम करने पर मजबूर थे। और आज भी दुबई में जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है वहाँ के मजदूरों की हालत भी कुछ ऐसी है। कहने को तो यहाँ के कानून इतने सख्त है कि यहाँ पर आप ड्रग्स और अल्कोहल को खरीदने के लिए भी कई साल जेल में रह सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ दिन दिन के लिए होता है। जैसे जैसे सूरज ढलता है और रात होती जाती है वैसे वैसे इस शहर के क्लब्स और बार्स भी जिंदा होने लगते हैं। और जिस शहर में लड़कियों को स्ट्रिक्टली पर्दा कराया जाता है रात के अंधेरे में हजारों प्रोस्टिट्यूट से ये शहर सज जाता है। दुबई में हर वक्त लगभग 30,000 प्रोस्टिट्यूट रहती है, लेकिन ये इतनी हैरत की बात नहीं है। असल में बात यह है कि प्रोस्टिट्यूशन का ये धंधा बड़े बड़े अरब बिलियनर्स की देखरेख में होता है और इस तरह दुबई की ये ट्रेड पूरी तरीके से इलीगल ह्यूमन राइट ट्रैफिकिंग पर बेस्ड है। खासकर यूरोप की वाइट स्किन गर्ल्स की यहाँ पर बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। आपको याद होगा कि 19 फरवरी 2022 को जब यूक्रेन और रशिया के बीच में जंग शुरू हुई थी तो लाखों की तादाद में यूक्रेनियन औरतें यूक्रेन छोड़कर दुनिया के अलग अलग शहरों में चली गई थी। इस बीच यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें ये बताया गया था कि हजारों यूक्रेनियन लड़कियां और औरतें ऐसी हैं जिनको अच्छी जॉब का लालच देकर यूएई और खासकर दुबई में ले जाया गया है। और खतरनाक बात यह है कि ये लड़कियां नौकरियों के लिए नहीं बल्कि सेक्स स्लेवरी के लिए ले जाई जा रही हैं। लेकिन ये काम सिर्फ यूक्रेनियन लड़कियों के साथ नहीं किया गया बल्कि इंडिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और कई सारे अफ्रीकन और यूरोपियन देशों से कई लड़कियां या किडनैप करके या जॉब का लालच देकर यहाँ लाई जाती है और उनको सेक्स सेलिब्रिटी के लिए दुबई में बेचा जाता है। दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म से दुबई में रह रहे हैं तो आपको ये बात पता होगी कि यहाँ पर बन रहे अनलिमिटेड मेगा प्रोजेक्ट्स की वजह से यहाँ का क्लाइमेट भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। यहाँ का सी लेवल डेंजरस स्पीड से बढ़ रहा है और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वर्ल्ड आइलैंड। 9,500 करोड़ डॉलर की लागत से बनने वाला ये आइलैंड एक वर्ल्ड मैप को शो करता है, लेकिन अब ये पूरी तरह फेल हो चुका है और समंदर के अंदर पड़ा हुआ एक वीरान मैन मेड आइलैंड है जो धीरे धीरे पानी में डूब रहा है। चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और KW प्रेजेंट को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा।